वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर नितिका। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप लोगों के पॉपुलर डिमांड के ऊपर पॉपुलर क्वेश्चन था हेयर फॉल को लेके या हेयर ग्रोथ को लेके कोई अच्छे मास्क बताएं। सो आई एम बैक विद वेरी सिंपल मास्क। हम होम इंग्रेडिएंट्स से बने हुए इजीली अवेलेबल किचन इंग्रेडिएंट्स के बने हुए सुपर इफेक्टिव मास्क के बारे में आज बात करेंगे। इन सभी मास्क में फ़ायदा ये है कि विद इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड एप्लीकेशन ही आप रिजल्ट्स पाना शुरू कर देंगे। यू विल स्टार्ट गेटिंग गॉर्जियस हेयर एंड ब्यूटिफुल रिजल्ट्स राइट फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड द सेकेंड मास्क दैट यू अप्लाई। सो बिफोर वी स्टार्ट दैट, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन हेल्थ एंड आर्ट एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट यू वॉन्ट टू नो अबाउट। सो आज का वीडियो सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर मास्क ईजीली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल एंड सुपर डुपर इफेक्टिव मास्क। सो लेट्स गेट गोइंग। फर्स्ट वन, सबसे पहले एग एंड मिल्क हेयर मास्क। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल हेयर मास्क और इससे आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे मिलेंगे, ना ही हेयर फॉल पे कमी, उसको छोड़ के बाकी चीज़ें लस्ट्रस हेयर, सिल्की स्मूथ हेयर ये भी मिलेगा। सो सबसे पहले आप क्या करें, एक एग लें और एक कप मिल्क लें। एग को अच्छे से विस्क करके ब्लेंड करके मिल्क मिलाएं उसमें। उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और लेमन जूस, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डालें। इस सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स करके आप हेयर के सेक्शंस लेके उन सेक्शन में इसको अप्लाई करें। अच्छे से अप्लाई करके अपने हेयर को टाई अप करें और एक शावर कैप बांध लें। इस शावर कैप को पहन के लीव दिस मास्क ऑन फॉर 30 मिनट्स एंड देन रिंस योर हेयर विद वाटर एंड वॉश ऑफ द मास्क विद अ माइल्ड शैम्पू। आप पहली बार में ही इतना अच्छा रिजल्ट देखेंगे। आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस होगा, आपका हेयर टैंगल भी नहीं होगा और बहुत ही सिल्की स्मूथ और शाइनिंग हेयर आपको पहली ही बार में मिलने लगेगा। दूसरा बहुत इफेक्टिव मास्क है बनाना हेयर मास्क। दो कंप्लीटली राइट बनानास लीजिए। आप इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी आपके हेयर के हिसाब से, कितना डेंसिटी हेयर लेंथ के हिसाब से आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। मिड लेंथ हेयर के लिए 2 बनानास आर इनफ, 2 ripe बनानास। उनको अच्छे से मैश करें, उनमें 1 स्पून ऑलिव ऑयल डालें, 1 स्पून कोकोनट ऑयल डालें एंड 1 स्पून हनी डालें। इस मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड करें, बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी अचीव करें और उसके बाद इस मास्क को लगाएं हेयर पे। अगेन सेक्शंस लेने हैं बालों के, ध्यान रहे मास्क लगाने के लिए आपको बालों के सेक्शंस लेने हैं, रूट से लेके टिप्स तक पूरे बाल कवर करने हैं। उसको कवर करके अगेन टाई अप करके शावर कैप में छोड़ दीजिए। इफ पॉसिबल अगर आप हॉट टॉवल से स्टीम दे सकते हैं दैट विल जस्ट ऐड टू ऑल दीज मास्क। अदरवाइज आप एक शावर कैप पहन के इस मास्क को रहने दीजिए, आधा घंटा इसको अपना काम करने दीजिए एंड देयर आफ्टर अगेन रिंस योर हेयर विद नॉर्मल वाटर एंड वॉश इट विद अ माइल्ड शैम्पू। आप देखेंगे कितना स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट हेयर आपका फील होगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस मास्क। सो दिस इज द सेकेंड मास्क, द बनाना हेयर मास्क, विच इज़ वेरी 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 इफेक्टिव। ब्रेकेज है तो दिस इज द मास्क फॉर यू, द योगर्ट मास्क। आप एक कप दही लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालें, 1 टेबलस्पून हनी डालें। इस सारे मिक्सचर को एक फाइन कंसिस्टेंसी तक बीट करें एंड फिर अगेन टेक सेक्शंस ऑफ योर हेयर एंड रूट से लेकर टिप्स तक उसको लगाएं, उसको ब्लेंड करें। अच्छे से अपने हेयर को टाई अप करके 15 मिनट्स के लिए इस मास्क को अपना काम करें। वेन यू विल ओपन द रिमूव द शावर कैप, वॉश योर हेयर विद नॉर्मल वाटर एंड अ वेरी माइल्ड शैम्पू, आप रिजल्ट्स देखेंगे। ब्यूटिफुल सिल्की शाइनी सॉफ्ट हेयर। जो भी आपका ब्रेकेज का प्रॉब्लम है, जो भी आपका डल लाइफलेस लुकिंग हेयर का प्रॉब्लम है, सब चुटकियों में सॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। सो डू ट्राई दिस योगर्ट मास्क फॉर लवली ब्यूटिफुल लुकिंग गॉर्जियस लुकिंग।
एलोवेरा हेयर मास्क। अगर आप ड्राई इची स्कैल्प से परेशान हैं, आपको बहुत ही ड्राई लाइफलेस हेयर लगता है, गोइंग फॉर एलोवेरा मास्क। कुछ नहीं करना है, एलोवेरा की लीव्स लीजिए, उनको टियर ओपन करिए, अंदर से जो जेल है उसको स्क्रेप ऑफ करके अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। फिर अपने स्कैल्प पे पूरा सेक्शंस बना के हेयर के टिप्स तक इस एलोवेरा को जो हमने ब्लेंड करके बनाया है इस मिक्सचर को अपने हेयर में लगाएं। इसको लगा रहने दें फॉर एटलीस्ट 30 to 40 minutes इन अ शावर टैप। कीप इट ऑन, कीप इट, लेट इट रिएक्ट विद योर हेयर, लेट इट रिएक्ट स्मूथ एंड आउट योर स्कैल्प। तो इची ड्राई स्कैल्प को जब आप ये मास्क रिमूव करेंगे, आप फील करेंगे कि आप कितना रिलीव्ड हैं इस चीज़ से। सो व्हेन यू रिमूव दिस मास्क, जस्ट वॉश इट ऑफ विद कोल्ड वाटर और उसके बाद एक बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज़ करें एंड सी द रिजल्ट्स। द ड्राइनेस, द इची स्कैल्प, द लाइफलेस डल लिम्प लुकिंग हेयर विल सडनली स्टार्ट लुकिंग गॉर्जियस एंड योर स्कैल्प स्किन विल बी सो मॉइस्चराइज्ड। सो डू ट्राई दिस एलोवेरा हेयर मास्क ऑल्सो। द लास्ट वन, द फिफ्थ मास्क, कैस्टर ऑयल हेयर मास्क। इट इज अगेन टू मेक वंडर्स विद योर हेयर। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो, हेयर का थिकनेस बढ़े, स्ट्रैंड थिकनेस बढ़े, यू हैव मोर डेंस एंड लश हेयर, सो गोइंग फॉर दिस कैस्टर ऑयल मास्क। इट इज़ वेरी ईजी। टेक 2 spoons ऑफ कैस्टर ऑयल, टेक 1 spoon ऑफ आमंड ऑयल और इन दोनों को मिक्स करें। इनमें डालें 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स का पाउडर या मेथी दाने का पाउडर, 1 चम्मच वो डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड करें आपस में और फिर इस मास्क को अपने हेयर पे लगाएं। आप देखेंगे कि जब आप इसको हेयर पे लगा के उसको रहने देंगे, कीप इट फॉर 1-1.5 hours और उसके बाद इसको वॉश आउट करें। एक बात का ध्यान रखें, बिकॉज इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ ऑयल्स, इसको मसाज ज़रूर करें अपने स्कैल्प में एंड हो सके तो हॉट टॉवल रखें हेयर को कवर करके। सो इट विल हेल्प बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द ऑयल्स इन टू योर हेयर एंड इन टू योर स्कैल्प। ये मास्क आप अपने हेड में लगाएं, उसको 1 to 1.5 घंटे बाद वॉश ऑफ करें विद अ माइल्ड शैम्पू अगेन एंड यू विल सी मल्टीपल वॉशेज में आप देखेंगे कि आपका हेयर डेंसिटी इतना अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, योर हेयर विल बिकम वॉल्यूमिनस एंड ब्यूटिफुल। सो दिस इज द कैस्टर ऑयल हेयर मास्क। डू ट्राई दीज मास्क एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक देम। हमें ज़रूर बताएं आपको ये सारे ईजी हेयर रेमेडीज, होम रेमेडीज, होम DIY हेयर मास्क कैसे लगे, आपको रिजल्ट्स कैसे मिले, किस मास्क का आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। ये सभी मास्क बहुत ईजी हैं, आप लोग खुद घर में ट्राई कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं आपको ये कैसा लगा। आई होप यू गेट रियली गुड रिजल्ट्स विद दिस एंड द डिफरेंस, जैसा कि मैंने कहा, आप पहली बार में ही फील करने लगेंगे। बिसाइड्स द हेयर मास्क, अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है आपका डाइट और आपका वाटर इंटेक। अपने डाइट का ख्याल रखें, डाइट में कैल्शियम आयरन रिच फूड लें, क्योंकि जो आपके हेयर को अल्टीमेट नरिशमेंट है वो आपके डाइट और आपके वाटर इंटेक से जाना है। वाटर इंटेक इसलिए नेसेसरी है कि आपके ब्लड के थिकनेस को मेंटेन करें, आपके न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करें, आपके स्किन टेक्सचर को मेंटेन करें। हेल्दी स्कैल्प रहेगा, हेल्दी हेयर रहेगा। सो दिस इज डॉक्टर नितिका विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू ट्राई दीज मास्क एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक द रिजल्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe to my channel. See you.